सोल बहुत अच्छी है। एक आत्मा ने इसके ऊपर कुछ दिन से पुरुषार्थ किया और स्वयं सुनाया कि अब मेरा चित्त बिल्कुल शांत है, नहीं तो हमारा चित्त डस्टबिन बन जाता है और व्यर्थ का किचड़ा योग नहीं लगने देता। तो ये तो हमें समझना ही होगा कि हर एक में कोई ना कोई अच्छाई तो है, जिसको बाबा ने अपना बनाया है कुछ ना कुछ विशेषता तो है। उस विशेषता को हम समझें, स्वीकार करें और ये समझ लें कि परमात्मा देव है। किसी को भी रिजेक्ट ना करें, अगर हम रिजेक्ट करते जाएंगे तो एक दिन खुद भी रिजेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करो हर सोल को जैसे बाबा ने किया, और उस सिलेक्शन में भी देखो कि गॉड उसकी कौन सी विशेषता पसंद आई होगी। चाहे कोई ब्राह्मण आत्माएं है, चाहे कोई लौकिक परिवार की आत्माएं है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो है। उस विशेषता को देखो और वर्णन करो। जब तक हम देखेंगे नहीं, वर्णन नहीं करेंगे, तो वो अच्छाई वृत्ति में बैठी। अगर हमारी वृत्ति में चीज पक्की हो जाए तो हमारी स्थिति बहुत सुंदर बन जाएगी, अचल अटूट बन जाएगी। लेकिन ये केवल एक बार सोच लेने से सब अच्छे नहीं लगेंगे। आपको कभी कोई अच्छा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, लेकिन जब वृत्ति में चली जाएगी ये बात कि सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है, उसको बाबा ने कर्म काटने की कैंची बताया उस मुरली में, कि जो भी हमारे बंधन है वो कटते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी को भी देख कर अंदर बिना पाप भावे नहीं आएंगे। अगर होगा भी सही, वो समाप्त हो जाएगा। कभी कभी चलते चलते किसी के लिए घृणा का भाव बैठ जाता है, किसी के लिए स्पेशल केयरिंग का भाव बैठ जाता है। किसी के प्रति हम बहुत आसक्त से हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, किसी को देख के हम अंदर से इरिटेट होने लगते हैं। ये सब भावनाएं तब आती हैं जब हम किसी की कमी कमजोरी को भी देखते हैं और विशेषता को देखते प्रभावित हो जाते हैं। बाबा की इस बात को हमें समझना है कि विशेषता देखना तो अच्छी बात है, लेकिन विशेषता दाता वो आपको याद रहना चाहिए। अगर विशेषता दाता याद है तो आप कभी भी उस आत्मा के प्रति लट्टू नहीं बनेंगे, बल्कि बाबा की बुद्धि में रहेगा। तो हम कुछ दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे, 24 जून तक विशेष सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। हर एक की अच्छाई को अपनी बुद्धि में धारण करके आंतरिक स्थिति को बहुत बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आप देखेंगे लौकिक में भी कोई कोई ऐसी आत्माएं होती है जिससे आपकी वर्षों से बात हुई है, आप देख करके सोचते हैं कि इन्होंने तो बहुत परेशान किया, मैं इनकी मदद ही ना करूं, इनकी बात ही ना सुनूं। कोशिश करें कि ये अकाउंट क्लियर करने का समय है, तो किसी के साथ भी अकाउंट बनाने नहीं। अगर आपने किसी के साथ बोलना बंद कर दिया और लगातार आप उसके लिए सोचने ही जा रहे हैं तो फिर से अकाउंट बनता है ना। इससे तो अच्छा है कि हम वाक संयम रखें, वो ज्यादा अच्छा है। अधिक बोलने की बजाय वाक संयम रखेंगे तो कम से कम आपकी बुद्धि का चिंतन चलेगा नहीं। अगर आप किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं तो आप वही कनेक्ट हो जाते हैं, बाबा बुद्धि से खिसक जाता है। अपने कर्म बंधनों को हमें स्वयं समझना है। अनेक आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हमें अपने मन की स्थिति डिटैचमेंट की रखनी है। ये सब आत्माओं में सबका पार्ट अपना अपना है। मुझे किसी को भी देखकर ना तो घृणा करनी है, ना कहीं अटैच होना है, बल्कि गुणों को देखकर गुणवान बनना है। ये सूक्ष्म जो बंधन बनते जा रहे हैं, कहीं पर अटक जाना, किसी को देखकर घृणा भाव आ जाना, ये आत्मा को कमजोर करता है। बहुत अच्छी धारणा है कि हमारे मन में बाबा की तरह से सबके प्रति प्यार, सबके प्रति सम्मान और सबको दुआएं देने का, ये 3 चीजें भरपूर रूप से बांटते जाना है। कोई कुछ भी करे, मुझे सबको ये 3 चीजें देनी है, और देने के बाद उसका सुख अच्छा अनुभव होता है।
आजकल सब अपने परिवार में है, परिवार के साथ मैक्सिमम टाइम होता है बैठने का, तो परिवार में रहते प्यार भी होता है दूसरे के प्रति, सम्मान भी होता है, पर कहीं कहीं टकराव वाली स्थिति भी होती है। तो जिनके साथ टकराव होता है उन आत्माओं को बाबा के सामने विशेष विमर्श करें और अब वो कहीं पॉजिटिव एनर्जी देते हुए कि मैं आत्मा आपका दिल से सम्मान करती हूँ, जो पिछला बेटा उसे भूल जाओ, हर एक अपने कड़वाहट वाले पास्ट को और दूसरे के लिए कड़वे पास्ट को फुल स्टॉप लगा दे। अगर वर्तमान अच्छा धारणा युक्त जीवन जीना है तो ये बहुत बड़ी ताकत है फुल स्टॉप। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी आई, उसको जब ये कहा गया ना कि चलो किसने बुरा किया तो उसे फुल स्टॉप लगा दे, उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। तो मैंने कहा उससे कुछ फायदा होगा क्या आपको? कहते फायदा तो कुछ होगा नहीं, अगर पकड़ के रखने का भी क्या फायदा। अच्छा यही है कि हम वर्तमान में सुखी जीवन जिए, और वही व्यक्ति सुखी है जो अपना मूल्यांकन कर रहा है, वो व्यक्ति सबसे अधिक दुखी है जो दूसरों का मूल्यांकन कर रहा है। अभी मुझे फायदा अपना मूल्यांकन करने में है कि मैं पास्ट की कड़वाहट पर फुल स्टॉप लगा दूं, परिवार में लौकिक में अलौकिक में किसी के साथ भी कोई ऐसी बातें हुई हैं जो मन को विचलित करती है तो उन्हें फुल स्टॉप लगा दें। अभी ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, 3 मिनट में हम अपना ये अकाउंट बाबा के सामने रखेंगे। जिन आत्माओं के साथ पास्ट में कड़वा संबंध रहा आज उसे फुल स्टॉप लगा देंगे, बाबा के सामने अपने मन और बुद्धि को पूर्णतया समर्पित कर दें। कम से कम मन मुझे किसी के लिए कोई कड़वाहट, इस कड़वाहट से ना तो मुझे फायदा है ना किसी और को। तो मैं वेस्ट चीज को अपने पास लूंगा, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए हम बात कर रहे थे फुल स्टॉप की धारणा का।
ये फुल स्टॉप की धारणा बहुत सुंदर धारणा है जो हमारे जीवन को बहुत विशेष बना देगी। जिनके साथ भी कोई कड़वाहट वाली बात है, ये ऐसा पुष्प जो आज यहाँ मंच पे दिया गया ना, तो इसको अपने संकल्प से उस आत्मा को अवश्य देना है जिसके साथ आपकी सही दूरी नहीं है। मुख से चाहे आप उनसे नहीं बोल रहे, लेकिन मन से आप कुछ दिन उन्हें शुभ भावनाएं भेजें कि मैं आत्मा आपसे आत्मिक रूप से सच्चा प्यार करती हूँ, जो भी पीता उसे फुल स्टॉप लगा दो। जब आप शुभ भावनाएं भेजेंगे, शुभ भावनाओं का पुष्प देंगे, तो सामने वाली आत्मा धीरे धीरे उस कड़वे पास्ट को फुल स्टॉप लगा पाएगी। ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, पॉजिटिव एनर्जी से सामने वाले का चित्त शांत होता जाएगा। जो शुभ भावनाएं वो दूसरे के चित्त को भी शांत कर देती है। अपने भी कड़वे पास्ट को फुल स्टॉप लगाएंगे, उससे तो हम केवल लेसन ही सीख सकते हैं। हर एक से पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो दुख देता है, अगर आप उससे पाठ सीख लेंगे तो वो आपके लिए वरदान बन जाता है। उसको भी बैठ के चेक करें कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या सीखा, तो वहां फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, उसको भी फुल स्टॉप लगा देना। अगर किया है किसी ने तो मेरा कोई कार्मिक काम, हम ये योजना ना बनाए कि मैंने भी इनके साथ ऐसा ही करना है, मैं भी एक बार को मजा चुकाऊं, नहीं तो ये मुझे कमजोर सोचेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, यही इंटेलिजेंट है आदि आदि। ऐसे दुनिया को खुश करने की कोशिश करना या दुनिया को शोक करना, इसके लिए हमारा जीवन नहीं है। ये समय और संकल्प हमारे अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना। हमें अपनी धारणा को मजबूत रखना है कि जो कुछ भी बीता या किसी का भी कोई डिफेक्ट है तो वो मुझे परफेक्ट करने के लिए है। मैं उस डिफेक्ट को सोचकर अपने मन को कमजोर ना बनाऊं। अगर हम पास्ट पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं तो समझो हम शक्तिशाली आत्मा है। अगर हम उसे भुला नहीं पाते, वो व्यर्थ बार बार आता है, तो इसका मतलब अभी बहुत शक्ति की जरूरत है, अभी बहुत साधना की जरूरत है, और ये साधना हमें करनी है। ये तपस्या के दिन है, अभी हम कर सकते हैं। और उस समय खास बैठ के तपस्या करो जब आप रेस्ट करके उठे हैं, जब आपका तन मन बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा योग अभ्यास करो, चाहे वो 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, ये रस बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये कमाई काम आएगी जो हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करेगी। स्मरण रहे, बिना तपस्या के फुल स्टॉप लगाना सहज नहीं होगा। क्या होगा अगर आप योग नहीं करेंगे तो? आप उस बात को जगह जगह गाएंगे, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने, और उससे हमारा पाप का खाता और बढ़ता जाएगा, पाप पर भी पाप बढ़ता जाएगा। तो हमें इधर उधर फैला के अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, बल्कि अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशी से तपस्या करनी है। भले थोड़े टाइम से स्टार्ट करो, पर प्रतिदिन अच्छा योग अभ्यास शुरू करो। जब हम खुशी खुशी योग अभ्यास करते हैं तो बहुत बल मिलता है। जैसे मान लीजिए आप दिन में रेस्ट करके उठे हैं और उस टाइम भी आपने 20 मिनट पाव को योग कर लिया, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ऐसे नुमा शाम का टाइम बहुत अच्छा है, अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। शौक होना चाहिए कि हम 20-20 मिनट करके, 15 मिनट योग करके भी अपनी तपस्या को बढ़ाएं। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे भाई बहन केवल मुरली सुनते हैं, मुरली के पॉइंट सुनते हैं। अगर उनसे हम पूछते हैं कि आप अमृत वेला करते हो, नहीं नहीं जी चलते फिरते करते हैं, बस गुड मॉर्निंग कर ली बैठते तो नहीं। ये सीधी माया है जो हमें सूर्य अमृत वेला ही करने दे रही है। ये हमारी कमाई जमा करने के दिन है, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ना हम शाम को योग कर रहे हैं, हम सुबह योग कर रहे हैं बैठ कर, और हम कहते हैं जी हमको चलते फिरते कर्म योग है। अच्छी बात है, कर्म के समय आपकी स्थिति अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छा शुभकामनाएं, बहुत अच्छी दिल की दुआएं। लेकिन ये परमात्मा क्या है,
कि सुबह उठकर बाबा से शक्तियां जरूर लेनी है। अगर हम अमृत वेले बाबा से मिलके बात नहीं कर सकते तो हम ब्राह्मण किस बात के? कोई आपके घर आए बात करने के लिए और आप ये कहो जी मैं तो काम करते करते ही बात कर सकता हूँ, उसको कैसा लगेगा? वो हमारा स्पेशल मीटिंग टाइम है, तो हमें अलर्ट होकर करना है। कैसे भी करके हमें वो 45 मिनट अपनी आत्मा के अंदर बाबा की शक्तियों को जरूर भरना है। वो सेटिंग हर एक को अपनी दिनचर्या की खुद करनी होगी कि मैं कैसे वो वक्त निकालू। बिना कमाई जमा किए कोई भी धारणाएं, कोई भी अपने जीवन को बदलने के लिए जो सिद्धांत है उसमें व्यक्ति खरा नहीं उतर पाता है। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने ज्ञान के साथ साथ तपस्या को भी प्रारंभ किया है। न केवल हमें सुबह शाम योग करना है लेकिन चलते फिरते भी योग करना है और बीच बीच में बैठ करके भी तपस्या को और प्रगाढ़ करना है, तीव्र करना है। जिस व्यक्ति को अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं तो वो अपने आप को वक्त जरूर देगा। जिसको अपने से प्यार है वो अपने लिए टाइम जरूर निकालेगा। याद रखेंगे टाइम ना किसी को मिला है ना मिलेगा, जिन्हें अपने से प्यार है वो वक्त को निकाल लेते हैं। जैसे कईयों को पीने का शौक होता है, मैंने देखा वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं कि उनको वो अपने पीने वाली चीज कहाँ मिलेगी। वो गाँव में भी इधर उधर भटक के भी ढूंढ लेते हैं उस अड्डे को। अगर हमें शौक है ना कमाई करने का तो हम 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल ही देंगे। बहुत ही सुंदर रहते हैं ये अभ्यास जो बाबा ने हमें सिखाए हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, 4 धाम की यात्रा करो, 3 लोगों की सैर करो। कोई कोई तो केवल बस सुनते ही रहते हैं, एक क्लास में दूसरे क्लास में तीसरे क्लास, लेकिन अभ्यास कब करेंगे? क्लास सुनना बुरी बात नहीं लेकिन इक्वली अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ये हमारे जीवन की प्रमुख धारणा है कि हम जो कुछ सुने उसका अभ्यास जरूर करें, तब वो चीजें वक्त पर हमें याद आएंगी। जो बाबा ने कहा वो वक्त पर याद आना ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। अगर हमें वक्त पर वो चीज याद नहीं आई तो बाद में तो पश्चाताप ही होगा। मान लीजिए किसी आत्मा के साथ आपका टकराव हो रहा है तो बाबा की बात याद आएगी, बच्चे कोई ना कोई जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा, तो उसको खुशी खुशी पार करना है, तो उस समय आपकी स्थिति ठीक रहेगी। अगर वो बाबा की बात ही याद नहीं है, बाद में याद आती है तो पश्चाताप ही बचता है हमारे पास। तो बाबा की जो बताई हुई बातें हैं उनके लिए तपस्या करना बहुत बहुत जरूरी है। ये वक्त हमें याद आएगा। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से मुलाकात की, मम्मा को देखा, आज हम बड़े तरसते से रहते हैं उनके अनुभव सुने। जिन्होंने अव्यक्त मिलन किया वो दिन भी यादगार बन गए। 11 मार्च को जब गुलजार दादी ने भौतिक देह त्याग दी, अद्भुत से आत्मा ये कहती है हमने तो बाबा के रथ को ही नहीं देखा। तो हम सबको क्या लगता है जिन्होंने अव्यक्त मिलन किया है, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमने तो अव्यक्त मुलाकात भी की है, वरदान भी लिए हैं, बाबा के हाथ से टोली भी ली है, हम सबको अपना भाग्य याद आता है। तो जैसे वो दिन स्मरण किए जा रहे हैं तो ये पुरुषार्थ के दिन भी स्मरण किए जाएंगे। ये भी बाबा की ओर से हम सबको गिफ्ट मिली है कि हम अधिक समय बैठ कर तप कर सकते हैं। आगे चलकर क्या परिस्थितियाँ होंगी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक सच्चा और पक्का ब्राह्मण वो है कि जो वक्त चल रहा है ना उसमें अपने लिए अच्छा ढूंढ ले कि मेरे लिए सब अच्छा है। हमें अपने घर को भी सेंटर जैसे वातावरण में बना के रखना है। जैसे हम सेंटर पर आकर मिले सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, वही दिनचर्या हमारे घर में भी हो। ऐसे नहीं कि अब हमारी आदतें खराब हो जाएं और फिर जब सेंटर खुलेंगे तो फिर हमें दिक्कत सी होगी, कैसे तैयार होकर मुरले क्लास में जाए। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सबको हम एक बॉक्स में अपने अटेंडेंस भेजते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल एक्यूरेट डायरी पेन लेके बैठते हैं, बैच लगा के बैठते हैं, और कोई कोई ऐसे अलबेले भी हैं जो सोए रहते हैं और वो बात सुनते हैं। संगम युग पर
अपनी दिनचर्या को बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। कोई भी छुट्टी के दिन भी अपनी आदत को खराब नहीं करना। सब चीजें सेट हो सकती है, केवल यहाँ पे हमारी मानसिक स्थिति सेट होनी चाहिए कि ज्ञान योग के समय हमें रेस्ट करना, ये अपनी जो मान्यताएं हैं खुद ठीक करनी होगी। कोई कोई कहते जी हमें तो दिन में रेस्ट नहीं मिलता, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुरली के टाइम पे रेस्ट करेंगे, आप आगे पीछे रेस्ट करें, मुरली सुन के भी रेस्ट किया जा सकता है। मुरली के टाइम जो रेस्ट कर रहा वो ब्राह्मण है ही, बाबा इतनी दूर से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमें मुरली के समय मुरली सुननी है, योग के समय योग करना है, बाकी सब चीजों की सेटिंग स्वतः ही हो जाएगी। अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम नहीं करना चाहते, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हमारे पास इतने बहाने हैं कि हम जितने करना चाहें कर सकते हैं। याद रखेंगे अब नहीं तो कभी, जो व्यक्ति बहाना करता है वो यहाँ पर देवियों से बच सकता है, ब्राह्मणों की बातों से बच सकता है, लेकिन धर्मराज की अदालत में कोई भी बचाव का प्रोविजन नहीं है, वो बातें उसे नहीं सुनाई जा सकती। और बाबा सुनेगा भी क्यों, बाबा तो कहेगा मैंने तो आपको मुरली में सावधान किया था। अपने आप को खुद टाइट रखें, दिनचर्या में लाइट रहें। दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है तो योग अच्छा नहीं हो सकता, पूरी दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है हमारे चेहरे पर। और आज बाबा ने मुरली में सावधान किया है, ये अवज्ञाएं अगर आप करते हैं तो उदासी रहेगी, खुशी गायब हो जाएगी। तो मेरी कहाँ कहाँ अवज्ञाएं हो रही हैं, आज अपनी लिस्ट बनाएंगे सोने से पहले। क्या मैं अमृत वेले में अवज्ञा कर रहा हूँ या मेरा विधि पूर्वक अमृत वेला है? मुरली क्लास मेरी विधि पूर्वक है या नेमी नाक बन के है? ऐसा तो नहीं कि बस ऊपर पढ़ लिया नीचे का पढ़ लिया, या कोई कोई तो कहते बस हमने वरदान स्लोगन पढ़ लिया था, और कईयों को तो कितने ही दिन हो जाते हैं मुरली की परवाही नहीं है। कोई कोई मुरली के दीवाने भी हैं, मुरली की मस्तानी गोपिकाएं भी हैं जो मुरली सुने बिना नाश्ता ही नहीं करती है। मुबारक हो उनको जो आदिकाल से इस नियम का पालन कर रहे हैं, और कोई कोई बीच में ढीले भी हो गए हैं कि हर एक अपने दिल पे हाथ रख के खुद को देख सकता है। अपनी चेकिंग खुद कर लेंगे कि अगर हम मुरली में ढीले हो रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, और जब हम ढीले हुए तो उससे हमारी मानसिक स्थिति कैसी रही। ऐसे ही अपनी दिनचर्या में हम चेक करें कि बाबा की श्रीमत है कर्म योगी बन के कर्म करना, क्या कर्म के समय हमें बाबा की स्मृति रहती है, क्या हम ऐसे ही काम करते हैं जो दुनिया में कर रहे हैं। बाबा ने हमें सिखा दिया ये सेवा है, सेवा भाव से करो, भले ही आप घर में भोजन बना रहे हैं सेवा है ये, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं सेवा है ये, जिनके साथ आप मिलन मुलाकात कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, आप उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखें और उनके साथ भी परिवार का कंसेप्ट जोड़ें कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत सारे भाई बहनों को मैं जानती हूँ जो अपनी फैक्ट्री में अपने जो साथी हैं जो उनके साथ ऑफिस में कार्य करते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, वो इनकी इतनी अच्छी पालना करते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ज्ञान को धारण किया है। जैसे यहाँ पे सेवा के लिए किसी किसी को भी बुलाते रहते हैं, गाड़ी लेके भी कोई कोई जाते हैं, कोई भाई खुद नहीं जाते लेकिन अपनी गाड़ी भेज देते हैं, तो उनके चालक हमें सुनाते हैं कि हमारे बाबूजी जो बाबा के घर में आते हैं वो शिव बाबा की तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो हमसे ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो अपने बच्चे से बात करते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है और हमारा मन करता है कि हम खूब मेहनत करें, व्यवहार का ही असर पड़ता है। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम कहीं पर भी किसी को बाबा के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। लोग देखना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं, तो हर एक चेक करे कि मेरे साथ जो भी कार्य कर रहे हैं ऑफिस में फैक्ट्री में, क्या मैं उनको सम्मान देता हूँ या तू-तू कह के बात करते हैं। अगर हम तू-तू कह के बात करते हैं और ये सोचते हैं तो अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे वर्कर्स हैं, ये अच्छी बात नहीं। देखिए अगर वो आपके पास ना हो तो आपकी फैक्ट्री चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। एक दिन भी फैक्ट्री के अंदर कोई क्लीनिंग करने के लिए ना आए तो फैक्ट्री की हालत क्या हो जाती है। हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वहां सफाई के लिए आता है चाहे वो आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपका व्यवहार
आत्मिक अवश्य होना चाहिए। उनके भी दुख दर्द को समझना है और उनके प्रति कम से कम शब्दों से कभी प्रहार नहीं करना, कभी उन्हें अपशब्द बोलना। बहुत पहले की बात है, अचानक मुझे से याद आ गई, बहुत पहले टेलीफोन अभी स्टार्ट भी हुई थी और आजकल तो सबके पास ही मोबाइल है, तो एक भाई जो ज्ञान में चलते थे अभी नहीं है, वो किसी से बात करते करते अचानक फोन उन्हें होल्ड पे छोड़ दिया और दूसरे फोन से वो सेंटर पे हमसे बात करने लगे। और बात करते करते उनका बेटा भी साथ बैठा हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने फोन अपने बेटे को दिया कि इनको ज्ञान की बात सुना। वो सुनाते सुनाते दूसरे फोन की भी आवाज सुनाई दे रही थी और सीधा अपशब्दों की गुच्छार हो रही थी। तो मैंने बाद में मिलकर पूछा कि आप बाबा के बच्चे हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे? उन्होंने कहा, बहन जी आपको पता नहीं है, इनको जब तक गालियां ना दे दो तब तक ये सुनते नहीं है, समझते नहीं। मैंने उनको कहा कि भगवान के बच्चे भी दुनिया वालों की तरह से व्यवहार करेंगे तो उनमें और हमने अंतर क्या? दुनिया वाले भी तो यही बोलते हैं, वो भी तो अपने लेबर के साथ सही व्यवहार नहीं करते, उनके साथ गलत बोलते हैं, और जो ब्राह्मण बन गए वो भी वैसा ही कर रहे हैं, तो इसका तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही अजीब लगा मुझे ये सुनकर कि सेंटर पर हम बाबा से नीचे बच्चे सुनते हैं और हमारे साथ जो लोग संपर्क में आते हैं उनको हम गालियां देते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। हम सोच के देखें हमारे साथ कोई ऐसा करे हमें कैसा लगेगा। ये बहुत ही सुंदर व्यवहार का एक दर्पण है कि जैसे व्यवहार की आप कामना करते हैं ना, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। हम परिवार में रहते हैं तो ये श्रीमत है बाबा की कि ट्रस्टी बनकर जीना है। जो ट्रस्टी होता है उस पर सब ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टी जो होता है कार्य सारे करता है, अटैच नहीं होता है। हमारे अंदर सूक्ष्म में कहीं कहीं मेरापन घुसा हुआ है, अपनी फैक्ट्री का, अपने घर का हेड बाबा को बना लो, अपनी हेड खत्म करो, खुद को बाबा का ट्रस्टी बच्चा, केवल उसने मुझे ये सेवा दी है, सेवा की और मालिक को सही हिसाब देना है। बाबा संभाल करते उन बच्चों की जो अपना पूरा पूरा समाचार बाबा को देते हैं, बाबा को अपना पूरा समाचार देकर ट्रस्टी बनकर भेजना है। कुछ मुख्य धारणाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन को बहुत विशेष बनाती है। जो ट्रस्टी होता है वो सब कार्य निपुणता से करता है, परफेक्शन से करता है, वो अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ता। आज भी अगर बाबा में घर लेके जाए तो हमारे कर्तव्य, हमारे कार्य सब बहुत अच्छे होने चाहिए और जीवन में एक संदेश होना चाहिए। मैं सुन रही थी एक बहन की बात कि पिताजी ने पीछे शरीर छोड़ा, उसने बड़ी अच्छी बात सुनाई कि मेरे पिताजी 40 साल इस ज्ञान मार्ग में चले और वो ऐसी तपस्या करके गए घर में रह के कि कोई जंगल में रह के ऐसी तपस्या नहीं कर सकता। कहते मेरा मन और दिल जितना शिव बाबा को नमन करता है उतने अपने पिता को भी नमन करता है, उन्होंने किसी भी नियम का कभी उल्लंघन किया। वो आत्माएं अमित छाप छोड़ती है, सुबह से लेकर रात तक बाबा के द्वारा बताई गई बातों पर परफेक्टली चलती है। तो हर एक जांच ले अपने आप को कि मेरी दिनचर्या कैसी है, दिनचर्या श्रीमद प्रमाण है या नहीं, और मैं बाबा का बच्चा क्या बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ? मेरे जीवन से क्या कोई बाबा से जुड़ जाएगा या ज्ञान से दूर भाग जाएगा? क्या हम चल के भी अगर हम ज्ञान की बातों के विपरीत चल रहे हैं तो अनेकों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान में चल के भी हमारे घर के झगड़े दुनिया वाले सुन रहे हैं, क्या उससे बाबा प्रत्यक्ष होगा? ज्ञान में चल के भी हमारे आपसी टकराव से बच्चे हमें उल्टा सुल्टा बोलने शुरू हो गए, क्या ये सेवा है? कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा? कैसे भी करके हमें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। विचारों में भले हमारे मतभेद, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं एकांत में बैठ कर रिजॉल्व किया जाए, बच्चों को घर का खुशनुमा वातावरण दिया जाए,
कि बाबा की श्रीमत है कि जिस घर का वातावरण खुशियों से भरा हुआ है वहां कोई विघन ठहरे नहीं सकता। जहां कोई भी विघन परेशान हो उस समझ लीजिए यहां तपस्या की बहुत आवश्यकता है, परिवर्तन आवश्यकता है। अगर बच्चे मुरली रोज ना भी सुने, रोज योग ना भी लगाए, कम से कम वो इतना तो कहें कि बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, इससे घर स्वर्ग बन जाता है। हमारे मम्मी पापा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, जोड़ते हैं ये बात संसार को बाबा के साथ। हम अपने परिवार के लिए हर एक रोल मॉडल बने, हर एक लक्ष्य रखें, मैं बाबा का बच्चा इस परिवार में सेवा के लिए आया हूँ, बाबा मुझे जहां जब ले जाए उसकी इच्छा, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं रोल मॉडल बनकर रहूँ, मेरे जीवन की धारणाएं मेरा धर्म है। मुख्य मुख्य बाबा की श्रीमत, उसमें हमें बहुत पक्के रहना है, वृत्ति में पक्का कर लेना है सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है, फुल स्टॉप की धारणा और ट्रस्टी बनकर जीना, अव्यक्त मुरली प्रतिदिन सुनना। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन तीन चार धारणाओं पर विशेष विशेष अटेंशन देंगे और अभी हम 3 मिनट के लिए पावरफुल याद में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा से वायदा करेंगे, बाबा आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, अब हम आपके बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं, सैंपल बनकर रहेंगे। अपने अपने स्थान पर सतर्क होकर बैठे, बाबा को सम्मुख लाएं, बाबा से दृष्टि देते हुए प्यार का अनुभव करें। मैं बाबा का आज्ञा करें बच्चा, ये मेरा ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है, मुझे परिवार के साथ रहते ट्रस्टी बनकर जीना है, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। परिवार में रहते जिम्मेवारियां निभाते मुझे बाबा प्रत्यक्ष Thank you.